जांजगीर चांपा जिले में जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन का कार्य लगभग 100% पूरा हो गया है, जिससे क्षेत्र में पानी की किल्लत खत्म हो गई है। सहायक अभियंता क्रेडा दीपक साहू ने बताया कि जिले में 5054 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से करीब 486 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में 12 मीटर ऊंचाई के 10,000 लीटर टंकी की क्षमता के सोलर डुअल पंपों की स्थापना क्रेडा द्वारा किया जा रहा है। अब तक जिले में 516 संयंत्रों की स्थापना पूर्ण रूप से की जा चुकी है, जिससे का समुचित लाभ ग्रामीणों को पेयजल के माध्यम से घरों घर मिल रहे हैं। हमारी आशा है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत जो घरों को कनेक्शन देना है, उसका कार्य भी पीएचसी द्वारा सुगमतापूर्वक समय सीमा में कर दिया जाए, ताकि लोगों को पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। ग्रामीणों का कहना है कि पहले केवल हैंडपंप के जरिए पानी मिल पाता था, यदि पंप खराब हो जाए तो पानी की किल्लत होती थी, लेकिन अब नल कनेक्शन मिलने से ये समस्या नहीं रही। व्यवसाय नहीं रही से एक सर ऊर्जा नल जब ले आया है, खुशी के लहर दौड़ गए है। पिए खाए नहाए धोए सबके व्यवस्था बढ़िया बन गए है, और व्यवस्था ला देख के हमारा स्थानीय ग्रामीण मल्ला अपार खुशी हुआ थे। पानी के बढ़िया व्यवस्था बन गई है करा सौर ऊर्जा नल के माध्यम से। हम पानी पात हम बढ़िया, अब बोरिंग हम बिगड़ जात रही से तब नहीं बिगड़े है, तब हो नहीं बिगड़े तब हम बढ़िया पानी पात हमन। हमारे गाँव में जब ले सौर ऊर्जा वाला टंकी लगे है, तब ले मस्त पानी के व्यवस्था है और कोई प्रकार के दिक्कत नहीं है हमला। और सरकार है बहुत बढ़िया योजना निकाले है, और जितका बेर पात हन तितकर कमा के आता उतकर पानी हमन उपलब्ध मिल जाते है, और बहुत बढ़िया सुविधा महान हमन। इस तरह जल जीवन मिशन दूर दराज के गांव में पानी की आवश्यकता को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है।